इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप गूगल मैप में अपना शॉप, अपना होम, साथ साथ आप कहीं पे मस्जिद या आपके चर्च या आपका गुरुद्वार कैसे ऐड करा सकते हैं। आप चाहे तो वहीं पे आपका गूगल मैप में आप अपना प्लेग्राउंड भी ऐड करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले से इंस्टॉल होकर रहता है तो मैं चलो गूगल मैप ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद आपको ऊपर से साइड को थ्री लाइन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको चूज कर लेना है। मैं क्लिक कर दिया। देखो, मैं क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट सिलेक्ट करना चाहिए कि कौन सा अकाउंट में आप अपना जीमेल अकाउंट में आप ऐड कराना चाहते हैं। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करके लॉगिन करने के बाद यहीं पर आपको दिखा होगा कि ऐड ए मिसिंग बिजनेस, यहीं पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक हुए इससे एक इंटरफेस ओपन होगा। क्लिक करने के बाद यहीं पे आपको प्लेस का नाम चूज कर लेना है जिस प्लेस को आप ऐड कराना चाहते हैं। तो चलो मैं होम चूज कर लेता हूँ। ओके, और मुझे यहीं पे आपको मुझे चूज कर लेना है आपका लोकेशन, गूगल मैप का आपका लोकेशन चूज कर लेना है। तो मैं आपको गूगल मैप का लोकेशन मेरा दिखा ले रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे आपको चूज कर लेना है, आपके हिसाब से आप गूगल मैप चूज कर लेना चाहिए। तो मैं चूज कर लेता हूँ एक तो मेरा गूगल मैप पे मेरा लोकेशन। जैसे ही एंटर, उसके बाद आपको यहीं पर डन पे क्लिक कर लेना है। देखिए, मैं डन पे क्लिक कर चुका हूँ। यहीं पे आपको कैटेगरी चूज कर लेना है, आपको होम स्टे चूज कर लेना है। यहीं पर आपको होम स्टे चूज कर लेना है मुझे। और यहीं पे आप चाहे तो मोबाइल नंबर भी ऐड करा सकते हैं। यहीं पे आपको वेबसाइट आपका है तो दे डाल सकते हैं। यहीं पे आप चाहे तो आपका होम का इमेज भी डाला सकते हैं, आप डाल सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास मेरा, मैं नहीं डालना चाहते, बाद में डालना चाहता तो बाद में भी आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद सब डालने के बाद आपको यहीं पर जो थ्री लाइट के ऊपर जो आपको यहीं पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेंडिंग में चाहेगा थैंक यू फॉर इम्प्रूविंग गूगल मैप्स, उसके बाद आपको डन कर लेना है। आपको उसके बाद आपका रिव्यू पे चला जाएगा। देखिए, मैं आपको बस कंट्रीब्यूट में चला आना है और यहीं पे आपको देखो एडिट में एक ऑप्शन रहता है। देखो, मेरा एक रिव्यू पे चला जा गया। आप पढ़ सकते हो, आपका गूगल मैप पे ऐप हो, आपका वही पेंडिंग में चला जाएगा। 7 या 10 दिन के अंदर आपका लोकेशन पे वही ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। इस तरह से चाहो तो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे अगर आपका दुकान को या आपका शॉप को कैसे चेंज किसी और दूसरे प्लेस पे शॉप को एक्सचेंज कराना चाहते हैं, तो कैसे आप गूगल लोकेशन को चेंज कराते हैं उस शॉप को, इस वीडियो में भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहना है क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो अगर इस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।